नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें इस बार से। बुधवार से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो चुका है। जगह जगह मंदिरों में जाकर श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर जिले के पुराने और प्रसिद्ध बड़ी थेरमाई मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला। मंदिर में सुबह से ही माँ दुर्गा के दर्शन और पूजा के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। मान्यता है कि खेरमाई मंदिर 9 दिन माँ दुर्गा के दर्शन करने से भारी पुण्य प्राप्ति होती है। दर्शन को आए भक्तों का कहना है कि हम 9 दिन का व्रत रखते हैं जिससे मन को सुख और शांति मिलती है। हम सुबह से उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करने आते हैं, व्रत रहता हमारा दिन भर, फिर शाम को फिर मंदिर आना, फिर पूजा पाठ करना, फलाहार करना रात में। मंदिर के बारे में, बहुत पुरानी मंदिर है, लवानों की मंदिर है, मतलब कहना चाहिए 100 साल से ऊपर ही मंदिर है। यहाँ की एक नंबर की तरह तैयारी रहती है, जबलपुर से अच्छी तैयारी, भव्य तैयारी रहती है। जबलपुर का नेशनल हॉस्पिटल मौत का अड्डा बन गया है। 3 दिन पहले हुई बच्चे की मौत को लेकर हंगामा भी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और हादसा हो गया। दरअसल इस बार अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ दिया है। मरीज तुलसीराम पटेल करीब 6 दिन से अस्पताल में भर्ती था, बावजूद इसके उसे कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। अब इस लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन भी जवाब देने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर मरीज के गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। 4 तारीख को हमने पापा जी को एडमिट किया तो वो पीलिया की दवाई, उन्होंने बताया कि इन्हें पीलिया हो गया है और पीलिया की दवाई वो 4-5 दिन से चलाते रहे और बोलते रहे तरह तरह की बीमारियां हैं। उधर सोमशेखर जी डॉक्टर बोले कल आएंगे, परसों आएंगे, रोज आएंगे, वो आज तक नहीं आए। कल पिताजी, आज डेथ हो गई, वो आज सुबह आके वो चेक करके बोलते हैं हम कोशिश करेंगे अभी वेंटिलेटर पर। 6 दिनों में मतलब डॉक्टर यहाँ पे अरेंज नहीं हो पाता है। हॉस्पिटल खोल ली एक बंदे के नाम पे, वो डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई और डॉक्टर देख ही नहीं रहा उन्हें, और आज तक वो मर्ज भी नहीं पकड़ पाए। आज तक डॉक्टरों को ये मर्ज नहीं पता कि उन्हें प्रॉब्लम क्या थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों की अपडेट करिए।